सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बुद्धि टॉपिक के विषय में, यानी कि आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटेलिजेंस के विषय में। दोस्तों, बुद्धि का प्रत्यय या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, ये जो चैप्टर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आप लोग के बाल विकास विषय में, क्योंकि आपको पता है ये पूरा पेपर 30 नंबर का होता है। और इस 30 नंबर में दोस्तों जो बुद्धि टॉपिक है ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इससे क्वेश्चन आते हैं। इस 30 नंबरों में से कम आपको 4 से 5 नंबर इस टॉपिक से मिलेंगे। तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही आसान भी है, क्योंकि बुद्धि के विषय में आपको समझाने की भी जरूरत नहीं है। आप सभी को पता है सोचने की, विचारने की, चीजों को याद रखने की जो शक्ति होती है वही क्या होती है, बुद्धि होती है हमारी, हमारे सोचने समझने की क्षमता, या फिर हम ये कह सकते हैं कल्पना करने की क्षमता। अगर हमारे पास बुद्धि होगी, हमारे पास समझ होगी, तभी हम कोई काम अच्छे से कर पाएंगे। तो जो बुद्धि है उसके बारे में ऑलरेडी आप सभी लोग बहुत सारी चीजें जानते हैं। तो चलिए हम इसकी परिभाषाएं देख लेते हैं जल्दी, कि जो बुद्धि की परिभाषाएं होती हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए बैसलर ने क्या कहा है कि बुद्धि क्या होती है। तो बुद्धि किसी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्य पूर्ण ढंग से कार्य करने, तार्किक चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की सामूहिक योग्यता है। बैसलर ने क्या कहा है, बुद्धि किसी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्य पूर्ण ढंग से कार्य करने, तार्किक चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की एक सामूहिक योग्यता है। यानी कि जिस व्यक्ति के पास बुद्धि होगी, सोचने समझने की क्षमता होगी, वो अपने काम को क्या करेगा, सही ढंग से करेगा। उसके कार्य करने का क्या होगा, एक उद्देश्य होगा। कोई भी व्यक्ति अगर एक छोटी सी दुकान भी खोलता है तो वो किस उद्देश्य से खोलता है कि मैं इस दुकान को खोल रहा हूँ, इसमें से सामान बेचूंगा, मुझे प्रॉफिट होगा, तो मेरे परिवार का जो पालन पोषण है वो मैं अच्छे से कर पाऊंगा। तो इस तरीके से हर व्यक्ति अपने जीवन के विषय में सोचता है। तो ये जो सोचने समझने की क्षमता होती है यही क्या होती है, बुद्धि होती है। लेकिन बुद्धि का आपको प्रयोग किस तरीके से करना है, उद्देश्य पूर्ण कार्यों के लिए करना है, बिना किसी को हानि पहुंचाए। अब इसके बाद अगला जो परिभाषा है वो है बकिंघम के अनुसार, बुद्धि सीखने की योग्यता है। बुद्धि सीखने की योग्यता बकिंघम के अनुसार ये परिभाषा है, सीखने की योग्यता। योग्यता शब्द किसमें आया है, बकिंघम की परिभाषा में आया है, याद रखिएगा। सीखने की योग्यता, इन्होंने क्या कहा बुद्धि को, यह सीखने की योग्यता है, ठीक है। और वुडवर्थ ने क्या कहा है, कार्य करने की एक विधि है बुद्धि। तो बुद्धि को इन्होंने क्या कहा, बुद्धि एक कार्य करने की विधि है। और टर्मन ने क्या कहा है, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। तो बकिंघम ने कहा है बुद्धि सीखने की योग्यता है, और टर्मन ने क्या कहा है, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। अब मैकडूगल ने क्या कहा, चलिए देखते हैं। बुद्धि अतीत के अनुभवों के आधार पर जन्मजात प्रवृत्तियों को सुधारने की योग्यता है। मैकडूगल ने बहुत अच्छी परिभाषा दी है कि जो बुद्धि होती है वो क्या होती है, वो हमारे अतीत के अनुभवों के आधार पर जन्मजात प्रवृत्तियों को सुधारने की एक योग्यता होती है। जब हम कोई काम करते हैं, अगर उससे हमें अच्छा परिणाम मिलता है जैसा हमने सोचा होता है, तो वह क्या होता है, वो हमारा अनुभव हो जाता है, और उसी अनुभव के आधार पर हम और सारी चीजें करते हैं। लेकिन अगर हमने कोई काम किया और वो सही नहीं हो पाया, यानी कि वो हम उसमें सफल नहीं हो पाए, तो उससे भी क्या हुआ, हमें अनुभव तो मिला, लेकिन उस अनुभव को सीख करके हम क्या करेंगे, उस काम को और बेटर करने की कोशिश करेंगे, या फिर हम कोई अगला कार्य पकड़ेंगे, उस कार्य को छोड़ देंगे, क्योंकि हमें उससे लाभ नहीं हुआ। तो इस तरीके से जो बुद्धि होती है, ये हमारी जो अतीत के अनुभव होते हैं, जो हमने पास्ट में चीजें सीखी होती हैं, उन्हीं का क्या होती है, ये प्रवृत्ति होती है। यानी कि हम क्या करते हैं, जो चीजें हमने सीखी हैं उन्हीं से हम क्या करते हैं, उन्हीं अनुभव को लेकर के हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। यही बात कही गई है मैकडूगल के द्वारा। अब इसके बाद देखिए टर्मन ने फिर एक और परिभाषा दी है, यहाँ पर क्या कहा है दोस्तों, जो टर्मन की परिभाषा है वो यहाँ पर रिपीट हो गई है। तो टर्मन की परिभाषा आपने पीछे देखा ही है कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्या है, एक योग्यता है, या अमूर्त चिंतन की क्षमता है। इस तरीके से भी आपको एग्जाम में मिल जाएगा, चाहे क्षमता मिल जाएगा चाहे योग्यता, लेकिन मोस्टली बुद्धि अमूर्त चिंतन की क्षमता है, ये अक्सर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो क्षमता को भी याद रखिएगा, क्षमता शब्द जिसमें आया है वो टर्मन की परिभाषा है, और योग्यता जिसमें आया है वो बकिंघम की परिभाषा है। अब मैकडूगल की परिभाषा भी आपने देखी ली है। अब इसके बाद हम बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं,
एक बच्चे की बुद्धि, वह तीव्र बुद्धि का बालक होगा, वह मंद बुद्धि का बालक होगा, वह जड़ बुद्धि का बालक होगा, या फिर वह प्रतिभाशाली बालक होगा, प्रखर बुद्धि का बालक होगा, ये सब डिसाइड कौन करता है? पता कैसे हमें चलेगा कि कौन सा बच्चा किस कैटेगरी में आता है? तो यहाँ पर आप देखिए कि बुद्धि को कौन कौन से लोग प्रभावित करते हैं। जो बुद्धि है किसी भी बच्चे की, इसको उसके आसपास का वातावरण प्रभावित करता है, लेकिन सबसे पहले जो है वो है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम यानी कि बच्चों को जो माता पिता से जो गुण मिलते हैं वे क्या होते हैं? वंशानुक्रम होते हैं। दोस्तों जो वंशानुक्रम होता है, कुछ बच्चे क्या होते हैं, उनकी बुद्धि बहुत प्रखर होती है, वो क्या होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं, ये भी बोला जाता है। फिर उसके बाद वातावरण, हमारे आसपास का वातावरण, वहां पर किस तरीके के लोग हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वहां के लोगों का बर्ताव किस तरीके का है और किस तरीके से वहां का रहन सहन है, ये भी बच्चे की बुद्धि के ऊपर प्रभाव डालता है। आयु, जो बुद्धि होती है वह जन्मजात तो होती है, लेकिन जो हम अपने आसपास के वातावरण से सीखते हैं वो धीरे धीरे हम सीखते हैं। आप देखिए 5 साल के बच्चे की बुद्धि कुछ और होगी, 10 साल की कुछ और होगी, 15 साल की कुछ और होगी, क्योंकि हम अपने व्यक्तिगत अनुभवों से, अपने आसपास के लोगों के अनुभवों से चीजों को सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए जो बुद्धि है वो आयु के अकॉर्डिंग क्या होती है, या एज के अकॉर्डिंग क्या होती है, बढ़ती जाती है किसी व्यक्ति की, क्योंकि अनुभव क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। हमारी एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है, हमारे जीवन में क्या मिलता है, हमें अनुभव बहुत सारे मिलते हैं। इसके बाद स्वास्थ्य, स्वास्थ्य भी बहुत मायने रखता है। अगर कोई मानसिक रूप से बीमार हो जाता है, या कहीं सर पर चोट आ गई, या इस तरीके से किसी कोई घटना होती है किसी व्यक्ति के साथ, तो कहीं ना कहीं उसकी मानसिक सोच पर, या फिर ये कहें कि बुद्धि पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये सभी चारों फैक्टर जो होते हैं ये बुद्धि को प्रभावित करते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछ लेता है तो आपको इन चारों का नाम जरूर याद रखना है, क्योंकि ऑप्शन में पूछेगा तो 3 नहीं देगा, सिर्फ 1 ही देगा, उसमें से कोई भी, इनमें से कोई भी, चाहे वंशानुक्रम, चाहे वातावरण, चाहे आयु, चाहे स्वास्थ्य। तो इन चारों पॉइंट्स को आप जरूर याद रखिएगा। अब इसके बाद हम बुद्धि के पक्ष देखेंगे। बुद्धि के पक्ष, जैसे आपने मूल्यांकन के पक्ष देखे थे, सेम वही चीज यहाँ पर भी आपको पढ़ने को मिलेगा। देखिए बुद्धि के कौन कौन से पक्ष हैं? 3, कार्यात्मक पक्ष, संरचनात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। अब देखिए बुद्धि के प्रकार, दोस्तों मनोवैज्ञानिक थार्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? तो 3 प्रकार बताए हैं। इन तीनों के विषय में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। जो मनोवैज्ञानिक थार्नडाइक हैं, इन्होंने बुद्धि को 3 प्रकारों में बांटा, और वो प्रकार कौन कौन से हैं उसके एग्जाम्पल से भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है जो बुद्धि होती है वो मूर्त बुद्धि होती है कुछ लोगों की। तो जो मूर्त बुद्धि होती है इसमें, इसको हम यांत्रिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि या व्यवहारिक बुद्धि के नाम से भी जानते हैं। इस बुद्धि के बालक मूर्तिकार हो सकते हैं, मिस्त्री हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, कुशल कारीगर आदि बनते हैं। यानी कि ऐसे बच्चे जिनकी मूर्त बुद्धि होती है या यांत्रिक बुद्धि होती है, ये बच्चे मूर्तिकार यानी कि मूर्ति बनाने वाले हो सकते हैं, मिस्त्री हो सकते हैं, केवल घर बनाने वाले नहीं, और भी तरीके के मिस्त्री होते हैं अलग अलग, आपको पता है। इसके अलावा इंजीनियर होते हैं, कुशल कारीगर होते हैं। तो इस तरीके से जो मूर्त बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, इनकी बुद्धि को हम यांत्रिक बुद्धि वाले बच्चे भी कहते हैं, और स्थूल बुद्धि वाले बच्चे भी कहते हैं, या व्यवहारिक बुद्धि वाले भी। तो याद रखिएगा आप लोग इसमें कौन कौन से प्रकार के बच्चे आते हैं, क्योंकि इसी तरीके से एग्जाम में आएगा कि जो मूर्तिकार है इसको थार्नडाइक ने बुद्धि के किस प्रकार में बताया है। तो किस प्रकार में आता है मूर्तिकार, या मिस्त्री, या इंजीनियर, या कुशल कारीगर, ये सब आते हैं मूर्त बुद्धि के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद अमूर्त बुद्धि या सैद्धांतिक बुद्धि में कौन कौन आता है? तो जब अमूर्त बुद्धि का मतलब क्या है, आप सोचिए कि उस व्यक्ति के चिंतन करने की और सोचने की क्षमता क्या होगी, बहुत अधिक होगी। तो चिंतन करने की, सोचने की क्षमता, जैसे कि एक कवि होता है, कवि आप देखिए कितना अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करता है, जैसे कि जो कवि होता है आप देखो कभी कभी वह बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कर देते हैं किसी भी चीज का। इनके अंदर सोचने की, समझने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, बहुत ही अधिक होती है। इसी प्रकार साहित्यकार भी होता है, साहित्य यानी कि जो बड़ी बड़ी किताबें लिखते हैं, या फिर हम ये कहें कि बड़ी बड़ी कहानियां लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं। इसके अलावा चित्रकार जो पेंटिंग करते हैं, उनकी भी आप देखिए अलग अलग तरीके की पेंटिंग्स होती हैं। बहुत सारे पेंटिंग्स हमें समझ में भी नहीं आती है, लेकिन जरूर उनका कोई ना कोई मीनिंग होता होगा, जो बनाता है निश्चित रूप से कुछ सोच के ही बनाता होगा। इसी प्रकार दार्शनिक, शायर, जो शायरी बोलते हैं,
इनकी भी सोच क्या होती है, आप सोच सकते हैं कितना अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते हैं ये लोग। इसके अलावा वैज्ञानिक ये सब क्या होते हैं, ये सब अमूर्त बुद्धि वाले होते हैं। तो जो अमूर्त बुद्धि वाले होते हैं इनका सारा काम क्या होता है, सोचने का, थिंक करने का होता है। तो आसानी से आप इनको अलग कर सकते हैं, जो अमूर्त बुद्धि के होते हैं, सैद्धांतिक बुद्धि के लोग होते हैं, इसमें कौन कौन से लोग आते हैं, जो कवि होते हैं, साहित्यकार होते हैं, चित्रकार होते हैं, दार्शनिक होते हैं, शायर होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कवि भी लिखते ही हैं, साहित्यकार भी लिखने का ही काम करते हैं, चित्रकार भी हाथ से ही पेंटिंग बनाते हैं मुख्यतः, दार्शनिक अपने अच्छे अच्छे विचारों से लोगों को प्रभावित करते हैं, शायर भी शायरी लिखते हैं, वैज्ञानिक भी क्या करते हैं, सोचने समझने का और लिखने पढ़ने का ही कार्य करते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो अमूर्त बुद्धि के, अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत जितने लोग होते हैं वो सब क्या करते हैं, मैक्सिमम यहाँ पर आप देखिए लिखने का या सोचने का ज्यादा कार्य होता है इनका। इसके बाद सामाजिक बुद्धि आती है। सामाजिक बुद्धि में सबसे पहले तो आप नेता को ले लीजिए। नेता लोग क्या करते हैं, आपको पता है कि वो बहुत ही सामाजिक होते हैं, वो सबसे घुल मिलकर रहते हैं और ये बहुत ही बहिर्मुखी प्रकृति के होते हैं। जबकि यहाँ पर आपने देखा जो अमूर्त बुद्धि के लोग होते हैं ये अंतर्मुखी होते हैं। जैसे कि कवि लिखने को तो बहुत बड़ी बड़ी बातें लिख देते हैं, साहित्यकार भी बहुत बड़ी बड़ी बातें लिख देते हैं, लेकिन वो अपनी अपनी किताबों के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से अपनी बात को कहते हैं, डायरेक्टली किसी से नहीं कहते हैं। लेकिन जो सामाजिक बुद्धि के लोग होते हैं ये क्या करते हैं, अपनी जो भी बातें होती हैं वो समाज के समक्ष, सबके समक्ष रखते हैं। जैसे कि नेता हुए, समाज सुधारक हुए, व्यवसायी हुए, ये सब क्या है, व्यवसायी यानी कि जो बिजनेस करते हैं। तो अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आप बिजनेस को संभाल रहे हो, तो इतने सारे वर्कर्स हैं आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपको उन्हें बराबर क्या करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उन्हें स्पीच देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर भी सामाजिक बुद्धि बहुत जरूरी है। समाज सुधारक के लिए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको समाज में ही रह करके लोगों को सही तरीके से रहना सिखाना है, या फिर सही तरीके से बोलना, उठना बैठना, ये सब चीजें अगर आपको बतानी है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर सामाजिक बुद्धि होनी चाहिए। तो ये हो गई सामाजिक बुद्धि। तो मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि। और जो मूर्त बुद्धि है इसको मैक्सिमम आप यांत्रिक बुद्धि के रूप में भी पाएंगे, तो यांत्रिक बुद्धि जरूर याद रखिएगा कि मूर्त बुद्धि को हम यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं। तो इसके जो प्रकार हैं इन प्रकारों को आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में यही प्रकार पूछता है। अब यहाँ पर आप देखिए किस बुद्धि का बालक नेता बनता है, किस बुद्धि का बनता है, अभी आपने यहाँ पर देखा है सामाजिक बुद्धि का बालक जो होगा वो नेता बनेगा। मशीनों में रुचि लेने वाला बालक किस बुद्धि के अंतर्गत आएगा, मशीनों में कौन रुचि लेगा, जो यांत्रिक बुद्धि का बालक होगा, जो इंजीनियर होगा, मूर्तिकार होगा, मिस्त्री होगा, ये किस में रुचि लेगा, मशीनों से ही तो ये कार्य करते हैं। इसके अलावा किस बुद्धि का बालक वकील बनता है, दोस्तों जो अमूर्त बुद्धि के बालक होते हैं वह वकील बनते हैं। तो यहाँ पर वकील को भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके सोचने समझने की और मनन करने की जो क्षमता होती है वो बहुत अधिक होती है। वकील और डॉक्टर भी इसी के अंतर्गत आएंगे, किसके अंतर्गत, अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत। तो वैज्ञानिक, दार्शनिक, डॉक्टर, वकील, गणितज्ञ, साहित्यकार, कवि, शायर, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आएंगे। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए बुद्धि के सिद्धांत दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक कार्य जो सिद्धांत है वह दिया गया है बिने टर्मन और स्टर्न के द्वारा। तो इसको हम समझेंगे ये क्या है, दोस्तों जो बुद्धि का एक कार्य सिद्धांत है इसे बिने टर्मन और स्टर्न ने दिया था। तो यहाँ पर आप देखिए जो बुद्धि है वह क्या है, बुद्धि एक अविभाज्य और अखंड इकाई है, यह कहा था बिने टर्मन और स्टर्न ने। इसे ही हम एक कारक सिद्धांत कहते हैं, यानी कि बुद्धि जो होती है वो अविभाज्य और अखंड इकाई होती है, यानी कि इसे हम अलग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप देखिए अगर एग्जाम में पूछता है कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया था, तो बिने टर्मन और स्टर्न ने दिया था। अब इसके बाद आएगा द्विकारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था, तो यहाँ पर आप देखिए द्विकारक सिद्धांत ये दिया था स्पीयरमैन ने, इसको भी हम समझेंगे। द्विकारक सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने, ये सब बहुत बार आपके यूपीटेट में पूछे गए हैं। तो देखिए इन्होंने द्विकारक मतलब इसमें दो कारक होते हैं, बुद्धि जो होती है इसमें दो कारक होते हैं प्रमुख रूप से, कौन कौन, एक होती है सामान्य योग्यता, एक होती है विशिष्ट योग्यता।
तो देखिए जनरल फैक्टर और स्पेशल फैक्टर, तो यहाँ पर आप देखिए कुछ इस तरीके से बताया गया है कि जो जनरल फैक्टर होता है वो तो होता ही है, लेकिन कुछ स्पेशल फैक्टर भी होते हैं, जैसे कि बच्चा अगर जोड़ घटाना जान रहा है तो ये उसका जनरल फैक्टर हो गया, लेकिन अगर वो गुणा कर ले रहा है, भाग कर ले रहा है, तो इसका इसका मतलब क्या है, वो स्पेशल फैक्टर में आ गया। यानी कि अगर गुणा भाग कोई बच्चा लगा ले रहा है तो हम अंडरस्टूड ये बात समझ जाएंगे कि उसे जोड़ और घटाना ऑलरेडी आता होगा। तो इसलिए जो बच्चा या फिर ये हम कहें कि ऐसे बच्चे जो सामान्य योग्यता के साथ साथ विशिष्ट योग्यता भी रखते हैं, वे किसके अंतर्गत आएंगे, वे द्विकारक सिद्धांत के अंतर्गत आएंगे। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो स्पीयरमैन ने यही कहा है बुद्धि के बारे में कि जो बुद्धि होती है वह दो कारकों पर निर्भर होती है, एक जन्मजात और एक अर्जित। तो जो ये जो सामान्य योग्यता होती है, जनरल फैक्टर होता है, यह बच्चे के अंदर जन्म से होता है, लेकिन जो विशिष्ट योग्यता होती है, जो स्पेशल फैक्टर होता है, यह बच्चा समाज में अर्जित करता है, वातावरण में, स्कूल में, आस पड़ोस में, यह एकत्रित करता है। तो इस तरीके से ये जनरल फैक्टर जी से जनरल हो गया और ये एस से स्पेशल फैक्टर हो गया। तो कुछ इस तरीके से इसकी आकृति बनाई गई है, आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए त्रिकारक सिद्धांत, यह भी स्पीयरमैन ने ही दिया है। तो त्रिकारक सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया है। स्पीयरमैन ने कहा क्या है कि जी और एस फैक्टर या जी और एस कारक अगर समान रूप से पाए जाते हैं तो वह क्या हो जाएगा, त्रिकारक सिद्धांत हो जाएगा। उन्होंने ये जो सिद्धांत है आप देखिए, द्विकारक सिद्धांत, इसके अलावा एक कारक सिद्धांत तो आपने देखा ही, लेकिन यहां पर इन्होंने क्या कहा है कि जो जनरल फैक्टर होता है, जो सामान्य फैक्टर होता है, ये ज्यादा होता है और स्पेशल क्या होते हैं, कुछ कुछ होते हैं। लेकिन यहाँ पर त्रिकारक में इन्होंने क्या कहा है कि जनरल और स्पेशल ये दोनों क्या होते हैं, समान रूप से बच्चे के अंदर पाए जाते हैं। तो ये त्रिकारक सिद्धांत हो गया, यानी कि बच्चे के अंदर सामान्य योग्यता और विशिष्ट योग्यता दोनों बराबर बराबर पाई जाती है। यानी कि बच्चा जो जन्मजात योग्यता लेकर के आया है उतनी योग्यता वह अर्जित भी करता है। तो इस तरीके से ये त्रिकारक सिद्धांत भी किसने दिया है, स्पीयरमैन ने दिया है। अब यहाँ पर देखिए आप, जो चौथा है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यह बहुकारक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, बहुत्व सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, असत्तात्मक या आणविक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, और बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। तो ये किसने दिया है, थार्नडाइक ने दिया है। तो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत या बहुतत्व सिद्धांत किसने दिया है, या बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने दिया है, असत्तात्मक या आणविक सिद्धांत किसने दिया है बुद्धि का, तो ये किसने दिया है, थार्नडाइक ने दिया है। नाम अलग अलग है लेकिन सिद्धांत एक ही है। तो यहाँ पर आप देखिए जो बहुकारक सिद्धांत है ये थार्नडाइक ने दिया है, और थार्नडाइक ने कहा है बुद्धि एक स्वतंत्र कारक है। बुद्धि क्या है, एक स्वतंत्र कारक है। आप सोचिए, आप खुद सोच के देखिए, आप क्या सोच रहे हैं किसी के बारे में, आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, आप उसके विषय में क्या सोच रहे हैं, क्या वह व्यक्ति जान पाएगा, नहीं जान पाएगा। तो जो बुद्धि होती है वह बिल्कुल स्वतंत्र होती है, आप कुछ भी सोच सकते हो, आप अच्छा सोच रहे हो, बुरा सोच रहे हो, अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, अपने आस पड़ोस के लोगों के बारे में सोच रहे हो, अपने स्कूल के बारे में, घर के बारे में, कॉलेज के बारे में, कहीं के बारे में आप सोच रहे हो, लेकिन आपके सामने बैठा व्यक्ति नहीं जान पाएगा कि आप क्या सोच रहे हो। तो इस तरीके से जो बुद्धि होती है वही क्या होती है, सोचने समझने की, कार्य करने की क्षमता होती है। तो बुद्धि ही तो है जो आप सोच रहे हो, हमेशा सोच रहे हो किसी काम को कैसे करना है या अगले दिन क्या करना है, आप प्लानिंग कर रहे हो अगले दिन की। तो क्या बुद्धि क्या है, एक स्वतंत्र कारक है। आप किसी को जेल में बंद करके रख सकते हो, उसको फिजिकली बंद कर सकते हो, लेकिन उसकी सोच को नहीं आप जेल में कैद करके रख सकते हो, क्योंकि व्यक्ति भले जेल में बंद है लेकिन उसका जो दिमाग है, जो उसकी बुद्धि है, वो क्या कर रही है, वो तो पूरे दुनिया का भ्रमण कर सकती है। सोचने समझने की क्षमता किसी व्यक्ति की कोई नहीं छीन सकता है। तो इस तरीके से जो बुद्धि है वो क्या है, एक स्वतंत्र कारक है। यह किसने कहा, यह थार्नडाइक ने कहा है, और इसीलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है दोस्तों, इसको जरूर आप याद रखिएगा। तो बहुल या श्रमिक योग्यता सिद्धांत भी इसको हम कहते हैं, तो इसके बहुत सारे नाम है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए दिया हुआ है समूह कारक सिद्धांत, थर्स्टन ने दिया है, या छह या सात कारक सिद्धांत भी इसको हम कहते हैं। जो थर्स्टन ने जो सिद्धांत बनाया समूह कारक सिद्धांत, इन्होंने स्पीयरमैन का त्रिकारक सिद्धांत और थार्नडाइक का बहुकारक सिद्धांत को मिला करके इन्होंने समूह कारक सिद्धांत बनाया था, और ये 2017 के यूपीटेट के क्वेश्चन पेपर में आया है दोस्तों।
तो ये पिछले इयर्स में के पेपर आप उठा के देखोगे तो आप देखोगे कि ये सब क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। अब इसके बाद वर्ग घटक या संघ सत्तात्मक सिद्धांत किसने दिया है, तो ये जी थॉमसन ने दिया है। फिर है क्रमिक महत्व का सिद्धांत किसने दिया है, ये सब बुद्धि के सिद्धांत है दोस्तों, यह बर्ट बर्नन ने दिया है। बुद्धि का संरचना सिद्धांत या बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत या इसको हम ट्रिपल मॉडल सिद्धांत भी कहते हैं, यह दिया है जेपी गिलफोर्ड ने। इसके अलावा तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, ये आर बी कैटल ने दिया है। पदानुक्रम सिद्धांत फिलिप वर्नन ने दिया है। बहुबुद्धि सिद्धांत हॉवर्ड गार्डनर ने दिया है, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। त्रितत्व सिद्धांत रॉबर्ट स्टैनबर्ग ने दिया है। बुद्धि का पॉस्ट मॉडल किसने दिया है, जेपी दास ने दिया है। फिर है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो आपको पता ही है कि संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है यह जीन पियाजे ने दिया है, जिसके विषय में भी ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाए हैं। संज्ञानात्मक विकास की जितनी भी अवस्थाएं होती हैं बहुत ही अच्छे से मैंने समझा करके आप लोग को वीडियो बताया है। जिन भी प्रशिक्षु ने नहीं देखा आप लोग प्लीज जीन पियाजे का पूरा सिद्धांत देख सकते हैं, मैंने बहुत सरल भाषा में आपको समझा के बताया है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया, अभी आपने देखा द्विकारक सिद्धांत दिया है स्पीयरमैन ने, और त्रिकारक सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने ही दिया है। इसके अलावा स्पीयरमैन के अनुसार अर्जित योग्यता जी फैक्टर है या एस फैक्टर, तो जो जी फैक्टर है यह जनरल फैक्टर क्या होता है, हर बच्चे के अंदर होता है, ये क्या होता है जन्मजात होता है, लेकिन जो एस फैक्टर यानी कि स्पेशल फैक्टर होता है ये क्या करता है, बच्चा समाज में आकर के वातावरण से अर्जित करता है अपने आसपास के लोगों से, तो ये क्या करता है, अर्जित योग्यता कौन है, स्पेशल फैक्टर एस फैक्टर। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, अभी आपने देखा जीन पियाजे ने दिया है। फिर है पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया है, पदानुक्रम सिद्धांत अभी आपने देखा है फिलिप वर्नन ने दिया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा बुद्धि किसे कहते हैं, बुद्धि की प्रमुख परिभाषाएं आप लोगों ने देखी और बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत भी आप लोगों ने देखे। अब जो अगली वीडियो है उसमें आप लोग बुद्धि परीक्षणों के विषय में पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के विषय में आप पढ़ेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है इस बुद्धि के चैप्टर में। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी और सारी चीजें आपको बुद्धि चैप्टर की क्लियर भी हुई होंगी, और आपको जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या आए आप हमसे बताते चलिए, आपकी सभी समस्याओं का समाधान टारगेट यूपीटेट सीटेट चैनल करता रहा लगातार करता रहेगा, बस आप ऐसे चैनल से बने रहिए। और ऑलरेडी मैंने आपको बाल विकास की तीनों अवस्थाओं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के विषय में पढ़ा दिया है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए ताकि आप लोग यूपी टेट के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएं और एग्जाम में अच्छे से अच्छा नंबर लेके आए सभी विषयों में, क्योंकि दोस्तों आज के टाइम में आपको बेस्ट से बेस्ट अपना स्कोर लेकर के आना है। कभी भी रूल्स रेगुलेशन चेंज हो सकते हैं सरकार के, तो अगर आप लोग रेडी रहोगे अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर के आए रहोगे, जब आपको यूपी टेट में अच्छे नंबर मिले रहेंगे तो आपके अंदर और उत्साह रहेगा और पॉजिटिविटी रहेगी आपके अंदर कि आपके सब्जेक्ट तैयार हैं और आपको सुपर टेट में और अच्छे मार्क्स लाने की प्रेरणा मिलेगी। तो बहुत जरूरी है कि आप लोग यूपी टेट के लिए बिल्कुल प्रिपेयर होइए और जहां कहीं भी किसी प्रकार की समस्या आ रही है हमसे बताते चलिए, यहाँ आई बटन पर भी क्लिक करके आप यूपी टेट की सभी वीडियोज को देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको यूपी टेट की वीडियोज मिल जाएंगी। तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन सी बुक्स आपके लिए बेस्ट रहेंगी ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, और दोस्तों आपको किस तरीके से कौन से विषय को पढ़ना है ये भी मैंने बताया है, तो प्लीज आप सभी वीडियोस को देखिए और जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते हुए चलिए। उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे ही चैनल से बने रहेंगे और सभी वीडियोस को देखते रहेंगे, जहां कहीं भी कोई भी समस्या आएगी हमसे बताते रहेंगे। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा आप लोग और अपने परिवार का भी ख्याल रखिएगा, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करके जाइएगा और अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स भी जरूर करके जाइएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियोज बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप बिना मिस किए सभी वीडियोज को देखते रहें। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद।